हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। क्वेश्चन 1, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल 3p+1 x² + 4x -2 = 0 नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्री पी प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 2 = 0 दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3p+1 से हम इस पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्या पुट करें, 3p+1 = 0 अगर पुट करें तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। ठीक है, हेंस 3p+1 x² + 4x - 2 = 0 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर p = -1/3। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं ax² + bx + c = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप a को जीरो कर देते हो तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हमने क्या करा, 3p+1 को जीरो के इक्वल करा तो ये वाले टर्म से आपको p की वैल्यू क्या मिली, -1/3 मिली। अब आप -1/3 को आप यहां पर रख के देख लो, यहां पर जब आप -1/3 रखते हो p की जगह तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन जा रही है, जीरो बन जा रही है। तो फिर ये आपकी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो उन्होंने यही कंडीशन पूछी है आपसे कि p की ऐसी क्या वैल्यू ले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहे, है ना, किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो p की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, -1/3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, समझाने के लिए हमने ये आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा इन 2 सब्जेक्ट इफ देयर एवरेज इज 75 एंड देयर प्रोडक्ट इज 5600। लेट द मार्क्स ऑब्टेंड बाय नेहा इन द 2 सब्जेक्ट्स X and Y. Hence, XY is equal to 5600 and x + y/2 = 75. ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, एवरेज तो है 75, तो x + y/2 75 के इक्वल हो गया और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5600। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 2 इक्वेशन आपने लिख लिया, तो यहां से आपको क्या मिल गया, x + y =
150, तो यहां से आपको x मिल गया 150 माइनस y। सो दूसरी इक्वेशन थी आपकी एक्स वाई इज इक्वल टू 5600। सो x की वैल्यू हमने यहां रखी 150 माइनस y इंटू y इज इक्वल टू 5600। सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 150 y इज इक्वल टू 5600। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 150 y माइनस 5600। देन पूरी इक्वेशन में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले वो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो मिडिल टर्म को आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है। सो y स्क्वायर माइनस 80y माइनस 70y प्लस 5600, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा था तो ये प्लस हो गया था, ये माइनस हो गया था, और यहां भी प्लस आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये प्लस आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो, इसमें से आपका वाई कॉमन आ गया और यहां से आपका माइनस 70 कॉमन आ गया। तो यहां से आपके पास वाई माइनस 80 फिर से कॉमन आ जाएगा और वाई माइनस 70 यहां आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 80 और 70। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर 70 है तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है ना, बाय इक्वेशन वन, है ना। इक्वेशन वन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। सो इससे हमने x की वैल्यू निकाली। अगर y की वैल्यू 80 है तो x की 70 आ जाएगी, और y की अगर 70 वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। x और y क्या है, आपके मार्क्स, है ना, सब्जेक्ट के मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज रूट्स of equation x square minus 3x minus 9 is equal to 0 are real and distinct. Given equation x square minus 3x minus 9 is equal to 0. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम d निकाल लेंगे। d होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, और c की वैल्यू माइनस 9 है। सो ये माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a और ये c की वैल्यू हमने रखी, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 9। तो यहां से d आया 9 माइनस 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 यहां हो जाएगा प्लस, 9 4 जा 36, तो ये हो गया आपका 45, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है सब, तो यहां से आपको पता लगा है कि d जो है ग्रेटर देन 0 है, और जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो वी नो दैट क्या होता है, द रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट। तो ये कंडीशन है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहां पर आपका क्या आ रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। दस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन x माइनस 18 बाई x इज इक्वल टू 6 इज इमेजिनरी।
इमेजिनरी में क्या होता है, आपका डी लेस देन जीरो आना चाहिए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब यहाँ हम पहले चेक कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्स अपॉन 18 बाय एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स हमने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। एक्स एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18 आ गया, राइट। और ये 6 को भी हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6x। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमसे यहाँ पर नेचर ऑफ रूट पूछा है कि इमेजिनरी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस 6, सी की वैल्यू है माइनस 18। जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करी, देन डी में हमने यहाँ पर वैल्यू डाली, बी की वैल्यू है माइनस 6, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 18, ये हो गया 36, माइनस माइनस प्लस, और 18 फोर जा 72, ये हो गया 108 टोटल, ठीक है। 36 प्लस 72 108, दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट ही आए रूट यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको पूछा है, इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन इज इमेजिनरी। सो यहाँ पर तो हमारे रूट्स क्या आ गए, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इमेजिनरी। ठीक है, अगर d आपका लेस देन 0 आता तो हम कह देते कि वो इमेजिनरी है, लेकिन d लेस देन 0 नहीं आया, सो द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x, स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 7, इसको हम इस साइड ले आए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर दें, तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 into 2x into 7, ये हो जाएगा 4x square minus plus 49 minus 28x, इधर आ गया आपका 6x plus 7। तो नेक्स्ट स्टेप आगे आपकी 4x स्क्वायर प्लस 42 माइनस 34x, अब देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड करा तो 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो माइनस 17 को स्प्लिट करके हम लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आ रहा है आपका 42x2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, तो हमको -17x मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x2 हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दो टर्म्स में आप इसको स्प्लिट करोगे, और हमने किया है तो वो बिल्कुल सही किया है हमने। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया आपका x-7 माइनस, अब फिर इस दोनों में से हमारा -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास x-7 आ गया। अब x-7 कॉमन आ गया और यहाँ 2x-3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो x=7 और x=3/2 आ गया। अब यहां पर क्या है, x=7 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो x=7 पर सेटिस्फाइड हो रही है, x=3/2 से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है ना, एज x=3/2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो आंसर इसका क्या आएगा, आपका x=7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1=0। अब देखो यहाँ शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ही यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपके पास, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रेकेट में, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1=0। अब ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 को एक बार जीरो कर देंगे और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 को एक बार जीरो कर देंगे, तो बी स्क्वायर एक्स =1 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1/b², और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/a². ठीक है, तो ये तो x आ गया -1/a² और 1/b². नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 9 प्लस x=13। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 9 =13 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, देन वी गेट क्या आ जाएगा, 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2x प्लस 9, राइट, इधर तो आ गया 2x प्लस 9, इधर आ गया 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो 2x प्लस 9, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x²-28x और इस 9 को इधर लाएंगे तो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 160 बचेगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे और x की दो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो -28 को हमने स्प्लिट करा -20x -8x में,
ऐड करने पर माइनस 28x मिला, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 160x स्क्वायर हमको मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। इसका मतलब मिडिल टर्म जो स्प्लिट करी है बिल्कुल सही स्प्लिट करी है। अब x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 20 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी x माइनस 20 आ जाएगा। अब x माइनस 20 यहाँ पर दोनों जगह क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x माइनस 8 आ गया साहब। तो x की दो वैल्यू मिली हमको, 20 और 8। x की हमको क्या वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली, 20 और 8। अब हमको यहाँ पर चेक करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है उस x की वैल्यू को यहाँ पर जरूर पुट करके देखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि जनरली क्या होगा, दो में से एक की वैल्यू आपकी वैलिड होगी। अब यहाँ पर आप जब 8 रख रहे हो तो आपकी 8 वैल्यू के लिए ये वैलिड है और 20 के लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मतलब आप जब 8 रखोगे ना यहाँ पर तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और 20 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेटिस्फाई का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर आप 8 रखते हो तो ये वैल्यू आपकी, यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखी, यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखी, तो आपको 13 मिलना चाहिए, ठीक है, जब जबकि आप 20 रखोगे तो यहाँ 13 आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, तो वो चीज है। तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया, और यहाँ पर हमने 8 रखा तो ये क्या हो गया, 8 2 16 16 में आप 9 ऐड करो, 25, तो यहाँ आ जाएगा √25 का हो जाएगा 5, तो 5 और 8 ऐड करेंगे तो 13 आ रहा है, यानी कि ये x की वैल्यू 8 हम रख रहे हैं तब तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना, जबकि 20 रखने पर ये चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ओके, क्योंकि 20 रखोगे तो यहाँ तो आ गया 20, ठीक है, और यहाँ आपने 20 रखा तो ये हो गया 40 प्लस 9 49 का हो गया 7, तो 7 प्लस 20 ये तो हो गया 27, जबकि यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 जो है उससे आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे हम, 8 इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल की कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0, यानी कि आप d फाइंड आउट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अगर 0 आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये रियल और इक्वल है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से इसने क्या पूछा, k की वैल्यू पूछी है, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8k है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ 9 है, c की वैल्यू यहाँ क्या है, 16 है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो 8k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 0, सो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36 इंटू 16, सो 64k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 16, 16 से ये कटा गया 4 टाइम्स, और 4 से ये कटेगा आपका 9 टाइम्स, तो k स्क्वायर आपका हो गया 9, यानी कि k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको 2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड आल्सो फाइंड द अदर रूट।
तो गिवन इक्वेशन आप लिख लो सबसे पहले, आपको क्या दे रखी है, 2x² + kx - 6 = 0। ठीक है, एस टू इज द वन ऑफ दिस रूट, देन सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू टू फॉर द गिवन इक्वेशन एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ के। भाई x इज इक्वल टू टू इस इक्वेशन का एक रूट है तो वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने x इज इक्वल टू टू यहां पर पुट कर दिया, उससे हमको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये हो गया 8 + 2k - 6 इज इक्वल टू 0। सो 2k + 2 इज इक्वल टू 0। So v 2k is equal to -2, so k is equal to -1। तो यहां से हमको k की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन थी 2x² + kx - 6 = 0, अब यहां पर k की वैल्यू क्या है, -1 आ गई, तो k की वैल्यू यहां पर -1 पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके फैक्टर करने हैं आपको और अदर रूट आपको यहां से पता चल जाएगा। सो क्या कर सकते हैं हम, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो -4x + 3x हमने करा। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x² आता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तब तो हमको -x मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12x² मिल रहा है। ठीक है, इसलिए जो मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करी है बिल्कुल सही करी है। अब फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ x - 2 बचेगा, प्लस सेकेंड टू टर्म्स में से आपका 3 कॉमन आ गया तो भी यहाँ x - 2 आएगा। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, x - 2 कॉमन आ गया, तो यहां पर आएगा 2x + 3 = 0। राइट, तो एक वैल्यू तो आपकी आ गई 2 और एक वैल्यू x की आ गई -3/2। ठीक है ना, इन दोनों फैक्टर को आप अलग अलग 0 के इक्वल करोगे तो एक रूट तो आपको x = 2 तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, अदर रूट जो है वो क्या आ गया आपका x = -3/2। राइट, सो हमने k की वैल्यू भी फाइंड आउट करी यहां पर और अदर रूट भी हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व 4x² - 4ax² + a^4 - b^4 = 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने पर थोड़ा सा डरावना दिख जाता है, आप डर जाते हो उस क्वेश्चन को देख करके कि यार इसमें क्या करना है और छोड़ देते हो। ठीक है, जबकि ये क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहां पर आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a² - b² होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये a + b a - b वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है a² - b² होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b² और a² + b² इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसको हमको स्प्लिट करना है, यही है थोड़ा सा सोचने वाली चीज, कैसे करेंगे, -2a² - b² x - 2a² + b² x और +a² - b² a² + b² ये वाले टर्म तो एज इट इज आ गई। अब देखो इसको हमने इन दो टर्म्स में स्प्लिट करा है, आप देखो जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को, तो यहां से क्या मिल रहा है, -2a² ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, -2a² मिलेगा और यहां से भी -2a² मिलेगा, x भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी x है तो ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -2a² x
माइनस टू ए स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स, राइट, यही हमको चाहिए। और अंदर आप देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर एक्स बनेगा। और यहां पर आप देखो माइनस टू ए, इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर से तो माइनस बी टू बी स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है। तो इधर तो माइनस का बनेगा, इधर प्लस का बनेगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म आपकी इस तरीके से स्प्लिट करिए, तो इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो तो माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स आपको मिल रहा है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इन दोनों मिडिल टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला फोर और ये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म को ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है टू से टू, माइनस टू से माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो फोर हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म आ जाएगी और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है, तो यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, ये चीज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यही स्प्लिटिंग में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इस फर्स्ट टू टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले रहे हो, यहाँ देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से आपको 2x कॉमन नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 2x कॉमन लिया, यह क्या आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। देखो आप यहाँ पर, यहां से 2x कॉमन लिया तो 2x ही बचेगा, और यहां से ये 2 और x कॉमन लिया तो माइनस का क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये फर्स्ट ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां पर आप देख लो, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो माइनस और माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2x, 2x आ जाएगा ये, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर हमने क्या करा, ये दोनों टर्म कॉमन आ रही है तो इसको बाहर कर दिया, और 2x के साथ ये आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप जीरो के इक्वल कर दोगे इस वाली टर्म को, और इस दूसरी टर्म को भी आप क्या कर दोगे, जीरो के इक्वल कर दोगे। तो यहां से 2x क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली इधर आपका 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस तरीके से ये x की आपकी दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर, और इस वाली स्टेप पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस स्टेप में आपको यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि स्प्लिटिंग में क्या हो गया, यहाँ पर आपको ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसलिए तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।